ये रहा हमारा सेकंड फ्लोर। ये सेकंड फ्लोर की लॉबी जो कि कुछ इस टाइप की है। अभी जी अलमारी यहाँ पे ये हमने रिसेंटली बनाई थी। यहाँ पे बनेगा जी हमारा हॉल, यहाँ से हमारा जी आंगन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। सो दोस्तों, जिस व्लॉग को बनाने का बेसब्री से इंतजार था मेरे को, वो टाइम भी आज फाइनली आ चुका है। आज हम लोग शूट कर रहे हैं फाइनली अपना होम टूर। जैसा कि आपको पता भी है, बहुत टाइम से घर पे काम भी चल रहा था, तो फाइनली वो काम भी कुछ टाइम पहले खत्म हो चुका है। तो अभी फिलहाल ये रहा हमारा जी घर, प्यारा घर। तो आज हम लोग करते हैं अपना होम टूर। अगर आप में से कोई चैनल पे नया आ रहा है तो आज सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक से देख रहा है तो फॉलो कर लेना, एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर देना। ये रही मेरी आईडी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी, जाके फॉलो कर लेना। एंड मेरे को पता नहीं है कि होम टूर कैसा कुछ क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखते हैं कैसा कुछ क्या रहेगा। ओके, चलो करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। तो जी स्टार्ट हम लोग करेंगे सबसे पहले अपने आंगन से, जो कि कुछ इस टाइप का है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी अच्छे से। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं अपने आंगन से, जो कि कुछ इस टाइप का है। ये रहे जी हमारे आंगन के टाइल्स। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत टाइम से यहाँ पे है, फाइनली कुछ टाइम बाद अब ये भी इस आंगन को लगाने हैं यहाँ से सबको, तब जाके हमारा आंगन जो है वो हो जाएगा कम्प्लीट। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने घर के अंदर। सबसे पहले ये रही जी शूज़ की अलमारी, यहाँ से है जी गोडाउन जिनको लॉक ही रहता है। इनकी चाबी मेरे को पता नहीं है कहाँ पे है, तो इनको रखते हैं साइड में। चलते हैं हम लोग अंदर अपनी लॉबी की तरफ। ये तो आपने यूजुअली व्लॉग्स में देखी होगी। ये रही जी हमारी लॉबी। तो ये जो अलमारियाँ है यहाँ पे, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, इनमें है जी कम्बल बिस्तर वगैरह। एंड ये वाली जो अलमारी है, ये जिसमें मैंने अपने कपड़े रखे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा हमने रिसेंट टाइम इसमें अपना सेकंड फ्लोर तैयार किया है। सो मेरे कपड़े जो है वो इसी अलमारी के अंदर रहते थे, लेकिन अब जल्दी ऊपर मैं अपने कमरे को जो है वो रेनोवेट करूंगा इंशाल्लाह जल्दी। एंड फिर सारा सामान मेरा वहीं पे पड़ा होगा, जो कि आप आगे आने वाले व्लॉग्स में देखोगे। रही ये वाली अलमारी जो कि फिलहाल तो बंद है, ये वाली अलमारी जो है वो बंद होती है हमेशा, इसको लॉक करके होता है। तो देखो ये बंद है, उठते हैं इसको साइड में, चलते हैं। ये वाला जो डोर है ये हमेशा बंद ही होता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ से इन्वर्टर है, पावर फिटिंग सारी है, इसी के अंदर सारा मैनेजमेंट है, इसीलिए दरवाजा बंद ही होता है हमेशा, इसको हम खोलते वगैरह नहीं है। तो चलते हैं हम अपने इस वाले रूम की तरफ जो कि है ये। चलो बिस्मिल्लाह करके, जिसमें मैं ज्यादातर अपने व्लॉग शूट करता हूँ। ये होते हैं लाइट्स ऑन। एंड ये रहा जी ये कमरा जिसके अंदर मैं अपने व्लॉग शूट करता रहता हूँ अक्सर। एंड यहाँ पे है जी भाई का फोटो फ्रेम, कैलीग्राफी, एंड मेरा सर्टिफिकेट जो मेरे को बहुत पहले मिला था। ये मिला था जी मेरे को करो इलेक्ट्रिक की तरफ से, जब उनकी ई बाइक्स की लॉन्चिंग थी, एंड मेरे को जी मिला था ये तब। ठीक है, इसको रखते हैं फिलहाल यहीं पे, बाद में इसको चढ़ाएंगे अपने ही रूम में अपने साथ। चलते हैं अपने इस वाले रूम की तरफ। चलो बिस्मिल्लाह करके, लाइट्स ऑन। ओके जी, ये रहा ये वाला कमरा, मैं हूँ और ये एक लॉकर है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे दिखाने के लिए है नहीं, इसीलिए चलते हैं किचन की तरफ। दिखाता हूँ मैं आपको किचन, देन हम लोग चढ़ेंगे सेकंड फ्लोर, आफ्टर दैट थर्ड फ्लोर। तो यहाँ पे मेरे को किचन में घुसने की इजाजत नहीं दी माने, पता नहीं क्यों, बोला अभी किचन पूरा रेनोवेट नहीं है, मतलब तैयार नहीं है, जो की अगले साल तक हो जाएगा। अभी फिलहाल किचन को रहने देते हैं हम, चलते हैं हम अपने सेकंड फ्लोर की तरफ। एंड ये देखो मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है, बोल रहा है कब से मेरे को अपने ब्लॉग में लाओ। तो ये मेरे को बहुत टाइम से पीछे पीछे चल रहा है, अभी बोल रहा है मेरे को व्लॉग में लाओ, अभी पता नहीं क्यों शर्मा रहा है। तो चलते हैं हम अपने सेकंड फ्लोर की तरफ। दिखाता हूँ मैं आपको अपना सेकंड फ्लोर घर का। तो ये रहा हमारा सेकंड फ्लोर, ये देखो जी कुछ इस टाइप का। सबसे पहले मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ यहाँ की, 1 2 3 खुल जा, 4 5 ओके। तो ये रहा जी हमारा सेकेंड फ्लोर। जी अलमारी यहाँ पे, ये देखो ये हमने रिसेंटली बनाई थी, एंड इसमें जो है अभी काफ़ी सारा सामान है जो कि मैं ऐसे तो नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये रही जी ये सेकंड फ्लोर की लॉबी जो कि कुछ इस टाइप की है। ये देखो यहाँ से भी अभी फैन लगाए नहीं हमने, वो अगले साल लगाएंगे। मम्मा का बोलना था अगले साल तक नए डिजाइन आ जाएंगे फैन के, अभी जो हमने देखे थे रिसेंटली वो कुछ खास पसंद नहीं आई मम्मा को। फिर हमें बोला गया जी कि आप ये टाइम थोड़ा सा वेट करो विंटर्स का, क्योंकि विंटर्स में तो फैन का कोई काम होता नहीं है, तो बोला विंटर के बाद आ जाओ आप, तब तक हमारे पास नए डिजाइन आ जाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग अगले साल ही लगा लेते हैं। चलो फिलहाल करते हैं अपना होम टूर कंटिन्यू, चलते हैं अभी अपने कमरे की तरफ जो की है ये। यहाँ का सीन तो आपने देख ही लिया होगा, यहाँ पे भी अभी फर्श नहीं डाल के हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अभी फर्श नहीं लाया गया, पता नहीं क्यों, मम्मा की चॉइस पे लाना है जी। ये रहा वार्डरूम मेरे कमरे का टाइप का। एंड ये रही जी मेरी पसंद पे ये वाली अलमारी जो कि मैंने अपनी पसंद पे बनवाई थी। अभी फिलहाल इसमें
शीशा लगेगा और आप लोग यहाँ पे ये पेंट जो है खराब हो चुका है। जब हमने वॉशरूम बनाया था, मतलब वॉशरूम में टाइल्स वगैरह लगाए थे, तब वो पानी जो होता है दीवार के अंदर वो अभी भी इसमें है, इसीलिए पेंट जो है वो बार बार खराब हो रहा है। बट पेंटर का कहना है कि अभी फिलहाल 2-3 महीने वेट करो, जब तक पानी पूरा सूख जाएगा लगेगा दीवार में, तब जाके मैं वापस आऊंगा एंड ये सारा कुछ ठीक कर दूंगा। तो पेंटर भाई का काम है, वो खुद आएगा इसको ठीक करने, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया जी मेरा रूम, करते हैं लाइट्स बंद। चलो हो गया ये भी बंद एंड अभी हम लोग चलते हैं इसकी तरफ। खुल जा सिम सिम, बिस्मिल्लाह करके। एंड ये रहा जी ये वाला रूम, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं लाइट्स ऑन। वो लाइट तो चली गई, इन्वर्टर चल रहा है अभी। तो जी ये रहा हमारा ये वाला रूम, जिसमें ये वाला डिज़ाइन मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने आपको किसी कमरे का दिखाया नहीं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये रहा जी इस कमरे का कुछ ऐसा डिज़ाइन जो कि एकदम मस्त लग रहा है। ये रहा मेरा यहाँ पे पीसी जो कि मैं एक टाइम पे यूज़ किया करता था, आज तो फिलहाल ये देखो इसकी हालत क्या है, ये देखो 2-3 सालों से मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया है। मेरी इस बाजू में पूरा दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने लेफ्ट बाजू पे स्विच कर लिया। ये वाला जो कमरा है पीछे, ये है हमारा स्टोर रूम जो कि मैं फिलहाल तो नहीं दिखा सकता, आगे मैं दिखाऊंगा कभी आपको। फिलहाल मैं आपको रूम के डिजाइंस दिखाता हूँ ऊपर छत के, एंड इस रूम को कर रहे हैं फिलहाल हम बंद, ठीक है। ओके सबसे पहले मैं आपको अपने रूम का दिखा देता हूँ, लाइट्स ऑन। एंड ये है जी मेरे कमरों का ऊपर का डिजाइन। ओके चलते हैं यहाँ से बाहर। ओके इस वाले रूम का दिखाता हूँ आपको, लाइट्स ऑन। ये देखो जी ये है जी इस वाले कमरे का, ठीक है। चलो दरवाजा बंद, अभी चलते हैं हम अपने थर्ड फ्लोर की तरफ। अपने थर्ड फ्लोर की तरफ चलते हैं बाहर, अभी आगे जाके यहाँ पे बनेगा जी हमारा हॉल इंशाल्लाह, एंड उसके बाद वॉश वगैरह जो भी है वो बनेगा। एंड यहाँ पे अभी एकदम अच्छी हवाएं चल रही है। बाकी यहाँ से देखिए आप लोग, यह है बाहर का नज़ारा। यह जी पावर फिटिंग के पाइप्स जो कि हॉल के लिए है। इसके बाद है जी चाचू का, यहाँ तक है हमारा। तो जी यह था हमारा होम टूर छोटा सा। बाकी यहाँ से हमारा जी आंगन, ये देखो। तो अभी फिलहाल चलते हैं हम लोग नीचे, एंड मुझे लगता है कि होम टूर ठीक ठाक बना होगा मेरा, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी होम टूर ट्राई नहीं किया है, आज मैंने पहली बार ट्राई किया है। तो अगर कहीं पे भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर देना। एंड इंशाल्लाह जब हमारा मकान पूरा तैयार हो जाएगा, यहाँ पे हॉल भी बनेगा, सब कुछ तैयार हो चुका होगा, तब हम लोग बनाएंगे अपना होम टूर पार्ट 2। फिलहाल इसको पार्ट 1 समझ लो, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब सेकंड फ्लोर का काम कंप्लीट होगा मैं होम टूर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये रहा जी वो वीडियो, अब प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर देना, मैं अपना वादा तो पूरा निभाता हूँ। अब आप लोग वादा करोगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो चलते हैं नीचे एंड इस ब्लॉग को करते हैं एंड, ठीक है, क्योंकि मेरी बाजू में दर्द हो रहा है अब, मैंने कभी भी इतने टाइम तक फोन हाथ में नहीं पकड़ा है। चलो नीचे। ओके गाइस, तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा होम टूर हमारे गरीब खाने का। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टा पे भी फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। एंड होम टूर का पार्ट 2 भी आएगा इंशाल्लाह। फिलहाल मैंने ये वाला प्रॉमिस किया था मैं आपको दिखाऊंगा, तो आज मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया। तो प्लीज इसी बात पे आप सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी फिलहाल इस वाले व्लॉग लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।